ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। हाल में चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना के तौर पर मान्यता दे दी है। इसके बाद उन्हें शिवसेना के नाम के साथ साथ शिवसेना का आधिकारिक निशान तीर कमान भी शिंदे गुट को मिल गया है। इस मामले पर उद्धव ठाकरे ने सुप्रीम कोर्ट का भी रुख किया, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही मिली है। इसके बाद केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एकनाथ शिंदे का समर्थन करते हुए एक बड़ा बयान दिया है। सिंधिया ने कहा कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाल ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और इसमें राज्य के लोग भी उनके साथ है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने मीडिया के समक्ष बयान देते हुए कहा कि शिंदे बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र की जनता उनके और वहां की भाजपा शिवसेना सरकार के साथ है। डबल इंजन सरकारें यह सुनिश्चित कर रही है कि एक बार फिर महाराष्ट्र का विकास हो। गौरतलब है कि पिछले साल जून में शिवसेना के पूर्व नेता एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई थी। इसके बाद शिवसेना के 42 विधायक और करीब 5 सांसद शिंदे गुट में शामिल हो गए थे। उद्धव के पास केवल 15 विधायक शेष रहे। अल्पमत में आने से शिवसेना एनसीपी कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार गिर गई और बीजेपी के समर्थन से एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र में सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नया सीएम बनाया गया। इसके बाद शिंदे गुट ने असली शिवसेना पर भी दाव ठोक दिया, जिस पर चुनाव आयोग ने फैसला सुनाते हुए मान्यता के साथ तीर कमान का निशान भी उन्हें दे दिया। अब शिंदे गुट शिवसेना के कार्यालय पर भी दावा कर रहा है। आपको बता दें, इसके साथ ही मोदी सरकार में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश की नई आबकारी नीति का समर्थन किया और कहा कि शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए ताकि शराब से होने वाले परेशानियों को दूर किया जा सके। यह विशेषकर महिलाओं के हित में उठाया गया है। शराब एक ऐसी बीमारी है जो आदमी को पूरी तरह से खत्म कर देती है और इसलिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। वहीं स्थानीय मुद्दों पर बात करते हुए सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में विभिन्न परियोजनाएं चल रही है जो अगले कुछ वर्षों में इस क्षेत्र में तेजी से विकसित लाएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो भोपाल। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।